class 8, subject maths, topic linear equations in one variable, chapter 2, exercise 2.5, date 25th September 2020, class 8, subject maths, topic linear equations in one variable, chapter 2, exercise 2.5, date 25th September 2020, class 8, subject maths, topic linear equations in one variable, chapter 2, exercise 2.5, 8 class के exercise 2.4 तक कल करवा दिए थे, आज हम करेंगे exercise 2.5 exercise के question है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आप देखेंगे एक्स बाई टू माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस वन इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं पहले वेरिएबल को एक साइड बनाएंगे एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल टू वन बाई फोर माइनस का इधर जाके हो गया वन बाई फाइव अब हम एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ इनका एलसीएम लेंगे टू और थ्री कैल्शियम होता है सिक्स यहाँ पे फोर और फाइव कैल्शियम होता है ट्वेंटी टू से सिक्स में डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई थ्री यहाँ हो गया थ्री एक्स माइनस सिक्स से डिवाइड टू यहाँ हो गया टू एक्स फोर से डिवाइड ट्वेंटी में फाइव फाइव वन जब फाइव तो आगे की गेम एक्स बाई सिक्स सिक्स यहाँ पे डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी देखेंगे अगर ये कटे तो काट देंगे टू थ्री या टेन ट्वेंटी सेवन बाई टेन जो हो गया इसका आंसर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप थर्ड है थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाई थ्री बाई थ्री इक्वल टू सेवेंटीन बाई सिक्स माइनस फाइव एक्स बाई थ्री ये क्वेश्चन देखो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे एक्स वाले में इतना ले आ लेते हैं माइनस है इधर आ रहा प्लस टू
कैल्शियम ले लेंगे 1 3 2 कैल्शियम होगा 6 6 और 1 का 6 6 1 से डिवाइड 6 6 6 2 16x 3 15x 1 17 दोनों नीचे अगर सिक्स सिक्स आता है तो आप हटा सकते हैं और ऊपर है प्लस माइनस कर लो 31x माइनस 16x इक्वल टू इसमें माइनस आप कर लो माइनस 5 अब नेक्स्ट में चलते हैं माइनस इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ की पहले एलसीएम हो गया 2 2m माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अब जो बता रहा था माइनस वाले को अगर माइनस आ गया तो ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे क्योंकि साइन चेंज करना होता वहां पे हम ब्रैकेट सेवन बाई फाइव है तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है अगर ब्रैकेट में आ जाए उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे एट टेन
क्वेश्चन नंबर एक को आप कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 y + 16 + 18 + 5 y + 30 = 0। y by n plus minus कर देंगे, 15 × 20 हो गया, तो हो गया 18 y, 60 × 30 = 18 - 12 और 18 y = 2 + 12 और 12 by 18 तो इसका जो आंसर है ये आ गया 2 by 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 ब्रैकेट के अंदर है 4f - 3 = 0.05 10f - 9। ये क्वेश्चन पॉइंट कर आ जाए तो क्या करेंगे आप? इससे मल्टीप्लाई आप कर दो, 25 में 4 का 100 है, 2 पॉइंट छोड़ते लिखेंगे तो 1.0 - 0.75 = 10 15, 2 छोड़ के लिखेंगे 0.5। Thank you.
ज्वाइन सीट्स। तो ये तो जितना ये सब है, ये है 2.6 में क्या है वो आप देख रहे हो। इसके बाय में है 3x इक्वल टू 2, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 से इसमें करेंगे 8x माइनस 3, 2 से इसमें करेंगे 6x, x को इधर ले जाएंगे और बिना x वाले को उधर, 8x माइनस 6x प्लस 3 और 2x इक्वल टू 3 3/2। अब इसका एक पार्ट आप देख लो 5, फिफ्थ पार्ट इसका आप देखो 7y+4 वाई में y+2 इक्वल टू है -4/3। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से इसमें 3 × 7y+4 − 4 × y+2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 21y 12 − 4y − 8 और 21y + 4y − 8 − 2 और दोनों प्लस करेंगे 25y − 20y = −20y − 25, 5 + 5 = −4y. आंसर आ गया इसका −4y. तो 6 वाले ये जो क्वेश्चन है इसको भी ऐसे ही करना है, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट के समकक्ष है, और इसके बाद इसमें स्टेटमेंट दया भरिए हैरी आर इन द रेशियो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट के समरी कर देते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी के एज का जो रेशियो है 5:7 है। 4 years from 9, अब से 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों को ऐड कर देंगे विद वेरिएबल
left. Let him present as a Hari B. Hari B. Next here. Present as a Hari B. Let he present as a Hari B. लेकिन वो रेशियो है, तो रेशियो लिखना पड़ेगा, एक्स अपने कर सकते हैं 5x 7x. इसका हो जाएगा 5x और इसका हो जाएगा अपर, इसके बाद है 4s बनना, अब से 4 साल बाद then 4 years. Either Hari 5x plus 4 years. Either Hari 7x plus 4. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के एज का रेशियो है 5x plus 4y plus 4 equal to, ये दिया हुआ है 3:4 मींस 3/4. अब हम क्या करेंगे, इसे 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 से इसमें 3 से और 20x plus 16 21x plus 12 और 20x माइनस 21x 12 माइनस 16 और माइनस x माइनस 4, ये दोनों कट गया, x इक्वल टू आ गया 4. अब हमें प्रेजेंट एज ऑफ हरी मानी लेंगे, देयरफॉर कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.6 कि ये सभी क्वेश्चन हैं. इन क्वेश्चन को अगर आपने अपने फेयर कॉपी में नहीं करा है तो पहले आप इसे फेयर कॉपी में नोट करेंगे, इसके बाद है रफ कॉपी में एक्सरसाइज के भी प्रैक्टिस करने हैं और साथ में एग्जांपल के भी प्रैक्टिस करने हैं. तो ये बाकी ये सारे जो काम हैं ये आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, जरूर है जिन बच्चों ने फेयर कॉपी में इसे नोट नहीं किया है वो इसे अवश्य नोट करेंगे. नहीं तो अगर आप इसे नोट नहीं करेंगे तो जब आप सब करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं,
जो मिस्टेक हो जाएगा फिर उसे हम ठीक नहीं कर सकते ना, ये तो मुश्किल होगा। प्रैक्टिस के टाइम में ही हम उसे मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जब आप इन सबको फेयर कॉपी में करे रहेंगे। फेयर कॉपी में भी जरूरी नहीं कि आपको इतने ही सम करना है और एक सम को करना है। मैंने जो 10 में से 5 कर दिए तो 5 ही नहीं करना आपको, 10 अगर क्वेश्चन है तो 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं फेयर कॉपी में। और है तभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये सम मिस्टेक हो जाते हैं तो आप इन्हें दोबारा फेयर कॉपी की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। पेपर में इसे ठीक नहीं करा जा सकता, प्रैक्टिस के टाइम में अगर मिस्टेक हो तो उसे आप ठीक कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में अगर ठीक नहीं हुआ तो प्रैक्टिस तो पेपर में मिस्टेक होने के चांसेस। तो सभी एक जो एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 है ये आपके कॉपी में होने चाहिए। और सभी सम होने चाहिए एक्सरसाइज के, और प्रैक्टिस सिर्फ कॉपी में करना है एक्सरसाइज के भी, और एक्सरसाइज के साथ साथ हैं एग्जाम्पल के भी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह आपका जो ये चैप्टर है 2.5 भी 2.6 तक है, ये सभी स्टेटमेंट में भी सम हो गए, बिना स्टेटमेंट वाले भी सम हो गए, ये सभी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है और ये कंप्लीट होने चाहिए आपको कॉपी में। ऐसा नहीं कि आपका कॉपी अधूरा रहे, हम यहाँ करवा रहे हैं और आप करना भूल गए, इस तरह आपका काम कम्प्लीट नहीं होगा ना, आप समझ सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सही ढंग से हो, कोई मिस्टेक नहीं हो, इनको अच्छी तरह आपने करना है एयर कॉपी में भी अच्छी तरह करना है, रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ये आपके सभी सम सही ढंग से सोच होंगे। एयर कॉपी में करना जरूरी है, अगर सम करते समय प्रैक्टिस करते समय अगर मिस्टेक हो जाए तो फेयर कॉपी की हेल्प लेके आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर फेयर कॉपी में नहीं करे रहेंगे तो वह सम जो मिस्टेक वो मिस्टेक रह जाएगा, उसे आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। दोबारा ठीक करने के लिए फेयर कॉपी की हेल्प लेनी होगी या आपने जो इंडियन या एक साथी है उसकी हेल्प लेनी होगी। तो अधिक टाइम में आप अपने साथी की हेल्प नहीं ले सकते ना, इसलिए फेयर कॉपी भी करे रहोगे तो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपनी कॉपी से आप देख के अपनी गलती को सुधार सकते हो, उसे बिल्कुल सही कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो गई है सब। तो मेरे ख्याल से आप सभी जिन्होंने कर दिया फेयर में और अपने प्रैक्टिस करेंगे, जिन्होंने फेयर में नहीं नोट कराया वो फेयर में भी नोट करेंगे और अपने भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उनके लिए डबल काम हो जाएगा। और जिन बच्चों के पहले से ये हो रहे हैं वो क्या रफ में करेंगे, जिन बच्चों के पहले से नहीं हो रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि उनको डबल काम करना पड़ेगा, फेयर में भी करना पड़ेगा रफ में भी करना पड़ेगा। लेकिन स्टेप वाइज करना है, ध्यान रखना कौन से स्टेप 20 सेकेंड नंबर पर कौन सा स्टेप है, थर्ड पे कौन सा स्टेप है, अकॉर्डिंग टू स्टेप के हिसाब से आप इन्हें अच्छी तरह कर सकते हैं। स्टेप वाइज करना है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकेंड स्टेप कौन सा होगा, स्टेप वाइज अगर आप करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर हम किसी चीज को ले जाते हैं तो उनके साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए सेम होता है। तो इस तरह कर लेना।